नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाते हैं शुगर फ्री मिठाई जो सबको पसंद है। तो यहाँ पे हम लेंगे 300 ग्राम खजूर जो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। सभी का बीज अच्छे से निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये बिल्कुल पीसकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप इसे थोड़ा बारीक पीसें। यहाँ पे लेंगे एक छोटा चम्मच घी। टोटल सारा मिला के 150 ग्राम ड्राई फ्रूट है, जिसमें आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और लो फ्लेम पे खूब अच्छे से खुशबू आने तक भून लें। जितनी अच्छी खुशबू आएंगी, बनकर टेस्ट इसका मिठाई का जो टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमारा 3 से 4 मिनट में अच्छे से भुन चुका था। यहाँ डालेंगे 2 चम्मच घी और उसी में डाल देंगे जो हमने खजूर को पीसा था उसको डाल देंगे। अगर थोड़ा बहुत कोई सा रह भी जाता है क्रंचेस तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉफ्ट हो जाती हैं बिल्कुल भुनने के टाइम में। इसे भी हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो भूनने से इसका टेक्चर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब ये 3 से 4 मिनट अच्छे से भुन जाएगा तो भुना हुआ ड्राई फ्रूट इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे डाल देंगे 1.5 बड़ा चम्मच भुना हुआ पोस्ता दाना। हमने यहाँ पे पोस्ता को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, कच्चा पोस्ता नहीं डालिएगा। यहाँ पे डालना है आपको भुना हुआ पोस्ता जो अच्छे से आप रोस्ट कर लें उसके बाद डालें, और इसे इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इसको भून लें। तो अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें खुशबू के हिसाब से या तो छोटी इलायची डाल दें या तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी इलायची या फिर दालचीनी, ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो छोटा चम्मच डालिएगा दोनों में से कोई भी चीज़, इलायची या फिर दालचीनी। उसके बाद लगातार 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे ही। हमें यहाँ पे गैस बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है और अच्छे से हम इसको मिला देंगे। तो जब हाथ अच्छे से आपका वो सहन कर सके तभी आप डो को हाथ से प्रेस करेंगे, मिलाएंगे। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से उसे मिला दिया। यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा पोस्ता दाना और थोड़ा सा पिस्ता। इस तरह से काट कर हमने स्लेब पे रख दिया और उसको इस तरह से गोल करते हुए इसे मिला दिया। तो खूब अच्छे से मिला ले पोस्ता दाना को और रोस्टेड पिस्ता को भी। तो जितना अच्छा मिलाएंगे उतना अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हम इसे अल्यूमिनियम फॉल में, जो किचन फॉल आती है, उसमें हम इसको रख कर रैप कर देंगे। रैप करने के बाद हम फ्रिज में इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो आप इसे बाहर भी 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। 2 घंटे में भी खूब अच्छे से ये तैयार हो जाता है, जम जाता है। तो 1 घंटे के बाद हम आपको इसको डिस्प्ले दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया है 2 से 3 घंटे, लेकिन फ्रिज में नहीं रख के मैंने बाहर रखा है। उसके बाद देखिए हम आपको उसी के साथ कट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये शुगर फ्री बिल्कुल मिठाई बनकर तैयार होती है। तो कोई भी खा सकता है, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप भी इस रेसिपी का लुत्फ़ उठाएं और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो ये शुगर फ्री मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी बनाकर गेस्ट को खिला सकते हैं, भाई को खिला सकते हैं, फैमिली में खा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।